एवरीवन, जय श्री महाकाल। मैं हूँ आपकी प्यारी खुशी। आई एम टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड लामा फेरा ग्रैंड मास्टर। तो फाइनली अप्रैल मंथ की रीडिंग्स आपको देखने को मिलेगी एंड वीकली राशि होरास्कोप एंड अपडेट्स मेरे अभी आना जो है आपके पास स्टार्ट होना हो जाएगा यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे एंड मेरे इंस्टाग्राम पे। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टैरट क्वीन खुशी पे एंड वेलकम डिवाइन बेबी। आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए एंड अभी कोई भी पॉज नहीं होगा। अभी कोई भी मंथ में मेरी रीडिंग्स नहीं आएंगी, ऐसे कोई इशू नहीं होगी, क्योंकि मेरी जो ऑफिस है अभी मुंबई में शिफ्ट हो चुकी है। उसके थोड़े से काम के चक्कर में मैं 2 महीने से कुछ भी अपडेट नहीं दे पा रही थी, पर अभी मेरी अपडेट जो है यूट्यूब पे आती रहेंगी एंड इंस्टाग्राम पे मेरे रील्स भी आते रहेंगे। तो आप मुझे जल्दी से जल्दी फॉलो कीजिए एंड स्टार्ट करते हैं अप्रैल मंथ की रीडिंग। लव रीडिंग एंड करियर रीडिंग दोनों की प्रिडिक्शन रहेंगी। तो चलिए जानते हैं कि दिस मंथ क्या होगा और कैसे रहेगी लव कम्युनिकेशन, लव रीडिंग एंड हमारी करियर रीडिंग, बिजनेस एंड फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी। तो चलिए जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी अगली राशि जो है धनु राशि, सैजिटेरियस राशि। सैजिटेरियस राशि वालों के लिए दिस मंथ करियर के लिए क्या रहेगा, द मैजिशियन कार्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कार्ड्स में नजर आते दिखा जा रहा है कि काफी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, काफी मेहनत से आप बोलते ना कि बहुत लगे हुए अपने काम को लेकर काफी आगे बढ़ाने के लिए। काफी पॉजिटिविटी है और काफी ज्यादा थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी नेचर है आपका काम को लेके कि इस टाइम पे काम हो जाना चाहिए, अदरवाइज आपको काम में डिले नहीं होना चाहिए, लेट नहीं होना चाहिए। ये सिचुएशन आपकी दिस मंथ में दिखाई दे, कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल लाइफ में बोलते ना कि एक गॉड का कनेक्शन भी आपके साथ लगातार दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आप बोलते ना कि एक कुछ भी अच्छी सी पॉजिटिव इसी से आपको बोलते ना कि एक प्रेयर करते हुए दिखाई दे रहे, कहीं ना कहीं आप बोलते ना कि गॉड से कनेक्शन आपका बहुत अच्छे तरीके से दिस मंथ में मुझे नजर आते हुए दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं एक अच्छी सी एनर्जी, एक कहीं ना कहीं अगर बोलते हैं न्यू जॉब के लिए भी अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो न्यू जॉब आपकी लगती हुई दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं प्रमोशन एंड दिस मंथ में आपकी प्रॉपर्टी होती हुई दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं होम, कहीं ना कहीं शॉप या फिर ऑफिस, कहीं ना कहीं कुछ न्यू चीजें आप परचेस करते हुए दिखाई दे रही, बड़ी चीजें परचेस करते हुए दिखाई दे रही, कहीं ना कहीं बोलते ना एक अबंडेंस या फिर आपने बोलते ना कि जो भी चीजें आपने मैनिफेस्ट की होगी गॉड के थ्रू, तो वो चीजें दिस मंथ में आपकी होती हुई नजर आती हुई दिखाई दे रही है मुझे धनु राशि वालों के लिए। कहीं ना कहीं बात की जाए तो लव कम्युनिकेशन की, तो लव कम्युनिकेशन में फाइव पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको बहुत ज्यादा फोर्स करते हुए दिखाई देगा न्यू लाइफ में। आपके पार्टनर जो है आपके काफी ज्यादा पीछे रहना, आपके पास आने की कोशिश करना, पर कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक है क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड्स आ चुका है। आप अपनी लाइफ में बोलते हैं कि एक एंजॉयमेंट लाइफ जीना चाहते हैं, आप कहीं भी नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में पार्टनर आए, क्योंकि नाइन ऑफ कप का कार्ड्स नजर आते हुए दिखा दे रहा है। आप एक अपनी लाइफ जो है, खुद अपनी लाइफ जो है अच्छे से आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, नहीं कि किसी के पार्टनर के दबाव में आप रहना चाहते हैं। आपको लगता है कि आप अपने पार्टनर के साथ जब भी रहते तो बहुत ज्यादा उनका दबाव रहना है या फिर उनकी बोलते ना कि कहीं कहाँ जाना है, कहीं आना जाना है, तो ये सारी चीज सिचुएशन जो कुछ भी कंडीशन है आपको पसंद नहीं आती है। आपको ऐसे लग रहा है कि दिस मंथ में कि क्या मुझे 10-10 बार पूछना है, 10-10 बार मेरे पीछे ध्यान रखना है, तो ये कंडीशन रखने से बेटर कि मैं इनसे दूर रहूँ तो बहुत ज्यादा बेटर हूँ। तो आप अपने अपने पार्टनर को बोलते ना कि थोड़ा सा डराएंगे, थोड़ा सा धमकाएंगे कि मुझे कुछ भी इन सारी चीजों में मत बांधो, मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहना है, फ्री रहना है, फ्री माइंडेड आपको रहना है और आपका दिस मंथ भी ऐसे ही करेगा कि आपको थोड़ा सा फ्री रहना है। कहीं ना कहीं आप मनी इनकम सोर्स के बारे में ज्यादा सोचेंगे, कहीं ना कहीं से पैसे जहां से भी आते तो वो सिचुएशन आपकी दिखाई दे रही। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए कि मैरिज की, दिस मंथ में ऐसा है कि मैरिज होने की कंडीशन है, तो मैरिज आपकी होती हुई दिखाई दे रही, तो एक अच्छी सी मैरिज आपके घर परिवार वाले अरेंज मैरिज मुझे दिस मंथ में नजर आती हुई दिखाई दे रही। जहां पे भी अगर आपकी बात चल रही है तो मैरिज की कंडीशन दिस मंथ में है। एंड बात की जाएंगे तो आपकी हेल्थ की, तो थोड़े से हेल्थ इश्यू आएंगे पर ज्यादा नहीं। कहीं ना कहीं आपकी फैमिली जो है आपको लेके काफी ज्यादा हैप्पी, काफी ज्यादा पॉजिटिविटी से आगे आपको सपोर्ट करते हुए नजर आती हुई दिखाई दे रही। आपको अपना डेस्टिनी का जो बोलते ना डेस्टिनी आपकी भी काफी ज्यादा चेंज होती हुई नजर आती हुई दिखाई दे रही। द वर्ल्ड का कार्ड, तो कहीं ना कहीं बोलते ना पूर्वजों का आशीर्वाद, कहीं ना कहीं बोलते ना घर वालों का आशीर्वाद आपको काफी आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जो मैरिज भी करेंगे, जिनकी मैरिज हो चुकी है, तो उनकी लाइफ में भी कोई परेशानी, कुछ लव कम्युनिकेशन कुछ इश्यू मुझे दिस मंथ में तो नजर आते हुए नहीं दिखाई दे रहे। एंड अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आई हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा कि दिस मंथ आपका कैसा रहा। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट जरूर कीजिए। मैं कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स पढ़ती हूँ। और हाँ, मेरी न्यू ब्रांच जो स्टार्ट हो चुकी है मुंबई में, आप वहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं बोरोवली में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना एड्रेस छोड़ देती हूँ। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन करना है तो आप मुझे पर्सनली वहाँ पे मिल सकते हैं। मैं अप्रैल 25 तारीख से लेके वहाँ पे
एनी टाइम वहाँ पे रहूंगी और आप मेरे यहाँ से विजिट कर सकते हैं, क्लासेस कर सकते हैं। टैरो रीडिंग की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, टैरो रीडिंग की क्लासेस 3 डेज के रहेंगे, सुबह से लेकर शाम तक आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे भी फाइनली अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करने तो अभी अमरावती में 6 दिन के बैचेस रहेंगे, तो आप अमरावती में भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। एंड टैरो रीडिंग अगर आपको सीखनी है तो आप ऑनलाइन क्लासेस भी कर सकते हैं, वीडियो क्लासेस भी कर सकते हैं, जीबू क्लासेस भी कर सकते हैं, रेकी क्लासेस भी आप कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़ते रहे और ऐसे ही आपका प्यार मेरे पे बनाए रखें। मैं ऐसे ही आपसे मिलती रहूंगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड नमस्कार।